हेलो फ्रेंड्स, भारतीय विजन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बताने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बेसन के लड्डू। आइए देखते हैं इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लिया है हमने एक कटोरी बेसन, एक ही कटोरी हम बूरा या पिसी हुई चीनी ले लेंगे और 1/4 के करीब हम घी ले लेंगे। थोड़ी सी पिस्ता कतरन हमने ली है सजाने के लिए और इलायची इसमें मिलाने के लिए। हम गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे ये घी। पहले हम घी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे बेसन और इसको भूरा होने तक सेक लेंगे। हमारे बेसन में से बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है और ये देखिए ये कलर भी इसका ब्राउन सा होने जा रहा है। अब इस समय पे हम गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। गैस बंद कर देती हूँ मैं इसको। मीडियम और सिम गैस पे ही सेकना है। देखिए बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर का हमारा बेसन सिक के तैयार हुआ है और हम अब ये ठंडा भी हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम बूरा। जितना बेसन हमने लिया है उतना ही हम बूरा डालेंगे। आप अपने हिसाब से मीठा ज़्यादा या कम कर सकते हो। और साथ ही में डाल देंगे इलायची। 4-5 इलायची डाली है मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब बनाना चालू करते हैं। बनाएंगे इस बेसन के मिक्सचर से हम छोटे छोटे लड्डू जो कि हमारे गणेश जी को बहुत पसंद है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको स्मूथ बना लेंगे। ये देखिए घुमा घुमा के इस तरीके से स्मूथ बन जाता है। ये हमने बना लिया। इसी तरीके से सारे बना लेंगे। ये एक और बना लिया, बाद में भी बनाना पड़ेगा। ये हमने लड्डू बना लिए हैं। अब इनको हम सजा देंगे पिस्ता कतरन से। बहुत ही प्यारे हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग भी इस तरीके से बेसन के लड्डू बनाकर देखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए।